बाद श्रीवास्तव का ब्रेन आज चौथे दिन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। एम्स दिल्ली में वह वेंटिलेटर्स पर हैं। डॉक्टरों ने कहा राजू की हालत सीरियस है। अगले 48 घंटे अहम हैं। शनिवार सुबह राजू श्रीवास्तव के निधन की अफवाह उड़ी, जिससे परिवार ने खारिज कर दिया है। पत्नी शिखा परिवार के साथ दिल्ली के एक गुरुद्वारे में अरदास कर रही है। परिवार ने सोशल मीडिया पर फैल रही फेक न्यूज़ पर ध्यान न देने की अपील की है। राजू श्रीवास्तव को बुधवार सुबह हार्ट अटैक आने पर एम्स में भर्ती कराया गया था। बुधवार को ही उनकी तीसरी बार एंजियोप्लास्टी हुई थी, जिसमें 100% ब्लॉकेज मिला था। शुक्रवार को उनके स्वास्थ्य में सुधार आया। वी और शोल्डर में मूवमेंट रहा, डॉक्टरों ने इसे अच्छे संकेत माना, लेकिन तेजी से सुधार नहीं होना चिंता का सबब बना हुआ है। परिवार को अगले 2 दिन और पॉजिटिव उम्मीद के साथ रहने की सलाह दी। एम्स के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप सेठ ने शुक्रवार को उनकी पत्नी शिखा से अगले 3 दिन अहम बताए थे। इसमें एक दिन बीत चुका है। शुक्रवार शाम को उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर ये आई है कि उनके शोल्डर में भी मूवमेंट आना शुरू हुआ है। अगले 48 घंटे उनके लिए अहम है। फिलहाल वे अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और होश में नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन सपोर्ट को 50% से घटाकर 40% तक किया है। राजू श्रीवास्तव 10 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी करा चुके हैं। उन्होंने पहली बार 10 साल पहले मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में और 7 साल पहले मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी कराई थी। इसके बाद बुधवार को तीसरी बार डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की। राजू श्रीवास्तव के बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से लगातार अपडेट लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भी लगातार अस्पताल में रहकर सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। देश के जाने माने डॉक्टर्स का पैनल उनका ट्रीटमेंट कर रहा है। ये हस्तियाँ ले चुकी हैं स्वास्थ्य की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, एक्टर शेखर सुमन, सिंगर सोनू निगम, सांसद और एक्टर रवि किशन। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।